everyone welcome back to the summative reads and in this video we are going to talk about the novel the vendor of sweets uh, earlier in the last video we were doing the same we have already done 11 chap 11 pages from the same chapter and now we are going to continue with the next one uh, so please i would request you all to keep your text with you and uh, take out at page number 12

एक कांस्टेंट ट्रैफिक एक लगातार एक ट्रैफिक जो था वो निकल रहा था ट्रैफिक मतलब यहां से वहां ट्रे लेकर वो लोग जा रहे थे ट्रे के अंदर कभी किचन से काउंटर की तरफ और फिर खाली ट्रे को काउंटर से किचन की तरफ विथ कलरफुल स्वीट मीट्स मिठाइयां रंग बिरंगी पास ऑन टू द फ्रंट काउंटर एज लॉन्ग एज द फ्राइंग एंड सीजलिंग नॉइस इन द किचन कंटिन्यूड एंड द ट्रेज पास ठीक है तो जब तक ये होता रहा यानी कि मिठाइयाँ तलती तली जा रही थी सिज़लिंग जो सिज़लिंग नॉइस वहाँ से निकल रही थी वो सब कंटिन्यू चल रही थी तब तक जगन ध्यान नहीं दे रहा था ठीक है हिज गेज इज अनफ्लिंचिंगली अन फिक्स ऑन द संस्कृत लाइन्स उसकी जो नजरें थी वो अनफ्लिंचिंगली यानी कि एकदम डटी हुई थी उन संस्कृत की लाइन्स पर बिना हटे इन अ रेड बाउंड कॉपी ऑफ द भगवत गीता वो क्या पढ़ रहा था लाल कलर के कपड़े से बंधी हुई एक भगवत गीता की, की बुक को बट इफ द स्लाइटेस्ट पॉज इन भगवद्दीता लेकिन यदि थोड़ा सा भी उस sizzling की आवाज में या किसी और चीज की आवाज में कहीं से भी कुछ पॉज दिखे रुकावट दिखे तो ही क्राइड आउट वो चिल्ला था विदाउट लिफ्टिंग इज आईज फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट उस पवित्र पुस्तक में के में से अपनी आंखें ऊपर उठाए बिना वो जोर से चिल्लाता वॉट इज है क्या हो रहा है द हेड कुक वुड गिव अ रूटीन रिप्लाई और जो हेड कुक है यानी जो मेन हलवाई है वो हमेशा की तरह एक रूटीन रिप्लाई देता कुछ नहीं एंड दैट वुड क्वाइट इन जगन माइंड और उसकी वजह से जगन चुप हो जाता अनएबल इट टू रिटर्न टू द लॉर्ड सेंग और वापस लॉर्ड की सेंग यानी कि भगवद गीता को में जो लिखे हुए दोहे और जो भी श्लोक है उनको पढ़ने लग जाता अंटिल अगेन सम स्लैकनेस फॉर नोटिस स्लैकनेस मतलब फिर कहीं से लेस एक्टिवनेस कम एक्टिवनेस कहीं से निरस्ता दिखती उसको एट द फ्रंट स्टॉल ठीक है फ्रंट स्टॉल पे जब उसे दिखता है कि उधर कोई काम नहीं कर रहा है उधर कुछ नहीं हो रहा है तो वो फिर से बोलता ओके कैप्टन दैट लिटिल गर्ल इन येलो स्कर्ट ज द वॉचमैन एट द डोर और उसका ये जो चिल्लाना था वो अलर्ट कर देता था एक तो काउंटर अटेंडेंट को और एक जो मेन डोर पे जो वॉचमैन बैठा था उसको भी ना? Um, खाकी के कपड़े पहने हुए थे जनरली उसकी एक टेंडेंसी थी एक आदत थी वो क्या किया करता था टू डोज ऑफ ऑन वुड सीट वो अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा झपकियां ले लेता था, था और जगन वुड क्राय कैप्टन दैट बैगो शुड नॉट बी सीन हियर एक्सेप्ट ऑन फ्राइडेज या फिर जगन चिल्लाता कैप्टन ये जो भिकारी है ये यहाँ पर सिर्फ फ्राइडेज को ही दिखाई देना चाहिए फ्राइडे के अलावा किसी भी दिन यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए दिस इज नॉट अ चैरिटी होम ये कोई चैरिटी होम नहीं है ठीक है द सराउंडिंग फॉर हर्स्ट वेन द मास्टर काउंटेड हिज अर्निंग्स फॉर द डे उसकी जो सराउंडिंग्स थी वो एकदम

ही जस्ट ड्रॉप एवरी पैसा ही रिसीव इन टू अग ने वो क्या करता था जितने भी पैसे आते थे उनको एक लंबी गर्दन वाले के जग के अंदर डाल देता था काउंट नहीं करता था उनको कलेक्ट करता था पर काउंट नहीं करता था एंड ब्रॉट इट इन एट सिक्स ओ क्लॉक और फिर उसको छह बजे अंदर जगन के पास ले आ जाता था कितने बजे सिक्स ओ क्लॉक क्योंकि सिक्स ओ क्लॉक वो टाइम था जब पी कार्स खत्म हो जाते थे अर्निंग के रिटर्न टू हिज सीट और फिर अपनी सीट पर लौट जाता था एंड ब्रॉट इन अनादर इंस्टॉलमेंट इन अ स्मॉलर कंटेनर एट सेवन और एक छोटे कंटेनर में एक छोटे डब्बे में छह से सात बजे का जो भी अमाउंट आता था वो बाद में लेके आता था व्हेन द शटर्स वर ड्रॉन जगन वुड नॉट काउंट द कैश येट बट कंटिन्यू टू रीड द लॉर्ड चारों तरफ हो जाते थे सात बजे। शटर जो है मतलब जो हलवाई की किचन वगैरह सब सेवन ओ पे बंद हो जाते थे पर जगन अभी भी कैश नहीं काउंट करता था और कंटिन्यू टू रीड द लॉर्ड बिना ऊपर देखे विदाउट लुकिंग अपेयर उसको पता था दैट द फ्राइंग हैड स्टॉप उसे पता था कि अंदर जो फ्राइंग है जो तलने की मिठाइयाँ तलने की जो चीजें हैं वो बंद हो गई है वो नोटिस करता था दिजिंग ऑफ ओवन जब आप ओवन को बुझाते हैं तो उसके अंदर एक हिजिंग साउंड आता है उसको भी वो नोटिस करता था अपनी बुक पढ़ते पढ़ते वेन द फायर डाइड आउट जब आग बुझ जाती थी वो भी उसे पता होता था द क्लिंकिंग ऑफ पैंस एंड लैडल्स वो जो बर्तनों की यानी कि जो कढ़ाई और चमचों के धोने की जो आवाज है वो भी उसको सुनाई देती थी एंड देन द फुट स्टेप्स अप्रोचिंग हिम और फिर उसको सुनाई देते थे वो कदम जो उसकी तरफ आ रहे हैं फोर पेयर्स चार जोड़े ऑफ फीट फ्रॉम द किचन यानी कि चार लोग किचन में से बाहर आते हैं उसकी तरफ और एक वन पेयर फ्रॉम द फ्रंट स्टॉल और एक आदमी फ्रंट स्टॉल से उसके पास आता है ए स्ट्रेज ऑफ लेफ्ट ओवर्स वर ब्रॉट इन एज द लास्ट एक्ट फॉर द डे और आखिरी काम क्या होता था कि जितनी भी मिठाइया बच गई हैं वो लेके आनी होती थी जगन के पास में है ना? और जगन उनको देख के पूछता था न्यू दट ऑल ऑफ देम वर असेंबल एट हिस्स उसे पता चल जाता था कि सबके सब आके सब मेरी डेस्क पे खड़े हो गए हैं एंड Uh, वो जनरल वे में एक क्वेश्चन पूछता था रूटीन क्वेश्चन जो कि वो हमेशा पूछा करता था हाउ मच इज लेफ्ट ओवर कितना बचा है फिर कोई जवाब देता नॉट मच ज्यादा नहीं बी एग्जैक्ट सही सही बताओ कितना बचा है टू ऑफ मैसूर पाक मतलब दो प्लेट मैसूर पाक बचे हैं जिसे हम कल बेच सकते हैं दैट वी कैन सेल टूम एंड जलेबी सीर आधे ट्रे का जलेबी रह गया है

कुछ कर रहे कर दी हैगन नाउ एड्रेस हिमसेल्फ देड कुक अब वो हेड कुक से कहते हैं टूम जलेबी कल से जलेबी नहीं बनाओगे वट इज रॉन्ग विद इट क्या हो रहा है जलेबियों के साथ मतलब बिग क्यों नहीं रही है?

जगन said philosophically जगन फिलोसफिकली कहता है आफ्टर ऑल एवरीथिंग कंसिस्ट्स ऑफ फ्लावर्स शुगर एंड फ्लेवर्स बात, वैसे भी सारी चीजें आटा शुगर और फ्लेवर्स से ही तो बनती है ट्राइंग टू कम टू अ डिसीजन व्हिच ही हैड बीन रेजिस्टिंग ऑल अलोंग और फिर वो कोशिश करता है एक ऐसे डिसीजन पे आने की यानी कि मिठाई दोबारा बनाने का डिसीजन उस लेफ्ट ओवर से जिसको वो जिसका वो हमेशा विरोध करता था लाइक हैड बीन रेजिस्टिंग ऑल अलोंग हमेशा वो उसका विरोध करता था आफ्टर ऑल वन हैड टू टेक अ प्रैक्टिकल व्यू फाइनली उसे भी एक प्रैक्टिकल व्यू लेना ही था विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ गोइंग अप क्योंकि फूड स्टफ का जो प्राइस है वो तो बढ़ रहा था तो इसलिए यहाँ पर जगन ने भी एक प्रैक्टिकल व्यू लिया और डिसीजन लिया जिसका वो हमेशा विरोध करता था कि उन बची हुई मिठाइयों को एक नई शेप में देके नई मिठाई बनाई जाए away, away जब उसका स्टाफ चला गया, तब उसने वो जो अपनी धार्मिक पुस्तक थी भगवत गीता उसको साइड में रखा और टेबल की ड्रॉर को खींचा विच वॉज पैडेड folded टाउल इन ऑर्डर टू muffle द साउंड ऑफ कॉइन और वो ड्रॉर जिसके अंदर एक दावल बिछा हुआ ब्रॉन्ज जग जब वो ब्रॉन्ज uh, जग से अपने कॉइन को खाली करेगा उस ड्रॉर के अंदर तो उसकी साउंड ना आए ठीक है ऑर्डर टू मफल द साउंड उस साउंड को रोकने के लिए जो कि जब वो जग उसके अंदर खाली करेगा

और फाइनल काउंट पे आया विद इन 15 मिनट्स यानी कि विद इन 15 मिनट्स उसने वो सारे पैसे काउंट कर लिए ही मेड एन एंट्री इन अ स्मॉल नोटबुक और फिर एक छोटी नोटबुक के अंदर एंट्री की एंड देन मोर इलैबोरेट एंट्रीज इन द लेजर व्हिच कुड बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन और फिर उस और बाकी की जो एंट्रीज थी वो उसने एक लेजर के अंदर की यानी कि खाता बुक के अंदर की जिसको कि बाद में कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता हो इन द स्मॉल नोटबुक ही एंटर्ड ओनली द कैश दैट केम इन आफ्टर सिक्स ओ क्लॉक छोटी वाली नोटबुक में सिर्फ उसने वही लिखे जो कि छह बजे के बाद का जो कैश जो छोटे जग में लेके आता था फ्रंट बॉय उसको रखा था उन उसका अकाउंट उसमें रखा ये कैश वाज इन एन इंडिपेंडेंट कैटेगरी एक तरह से एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी का कैश था जिसे वो फ्री कैश मानता था यानी कि वो उसकी अर्निंग के अलावा वाला पैसा था व्हाटएवर दैट माइट मीन अ सॉर्ट ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन है ना सेल्फ जनरेटेड ARISING आउट ऑफ इटसेल्फ एंड एंटाइटल्ड टू सर्वाइव विदाउट रेफरेंस टू एनी टैक्स यानी वो पैसा जो कि वो टैक्स से बचा सकता था वो लेटर वाला पैसा वो वो अपने साथ सेव करके रखता था। और इसको वो एक crisp, crisp करेंसी या फिर आप कह सकते हैं छोटा पैसा जो कि टैक्स तरह से वो उसको बना के रखता था एंड टाइड इन टू ए बंडल एंड पुट अवे टू द लॉफ्ट एट होम और वो घर पे जो Loft था, जो स्टोरेज रूम था वहां पेबल का पोर्ट्रेट था वही लास्ट में वो कैश की तरफ फाइनल लुक देखता है लॉक्ड इट केयरफुली अच्छे से उसमें ताला लगाता है टग देंडल फोर टाइम्स उस हैंडल को टग करता है यानी की खींच के देखता है एंड पोस्ट Chair back. और फिर अपनी को वापस पीछे खींचता है दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगाता है टर्न द की एंड पुट इट इन पॉकेट चाबी घुमा के चाबी निकाल के अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर कहता है कैप्टन सी इफ द लॉक इज ऑल राइट देखो यदि ताला सही हो तो कैप्टन सीज द लॉक इन द मार्शल ग्रिप और कैप्टन उस ताले को इस तरह से पकड़ता है एक मार्शल एक ताकतवर ग्रिप के साथ पकड़ता है जैसे कि कि वो एक एक हैंड ग्रेनेडो जो कि आर्मी में यूज करते हैं एंड इट अ फाइनल और फाइनली उसको झटके से खींच के देखा कि ये सही है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉक ये बहुत ही ताकतवर ताला है सर कैंट गेट इट नाउ डेज आजकल ये नहीं मिलेगा आई नो अबाउट लॉक्स मैं तालों के बारे में जानता हूँ this must have been made in a village foundry ये पक्का किसी गांव की फैक्ट्री में या फिर किसी गांव की आ, ऐसी फैक्ट्री जहां पर मेटल बनता हो वहां पर ये बना होगा he expatiated on the world of locks and locksmiths और वो तालों और ताले बनाने वालों के बारे में कुछ बोलना बोलने लगता है जगन कटिम शॉर्ट विद और जगन उसको बीच में टोक देता है वेल बी वॉचफुल ठीक है ध्यान रखना

a comment in the comment box i will definitely help you out thank you so much for watching this video